बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत खूबसूरत बच्चों की क्या बनाना शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये बकरम का पीस कट किया हुआ है, जिसकी लंबाई है 22.5 इंच और चौड़ाई इसकी है 3.5 इंच। मैंने इसी तरह का एक बार भी इतने ही नापे कटिंग कर दी है। आपके पास अगर हार्ड पेपर है तो आप अभी कटिंग कर सकते हैं। एक बार को आप साइड कर दें और बकरम को इस तरह से अपने दरमियान में से निशान लगा लेना है। डबल फोल्ड करके निशान लगाएंगे और उसके बाद हमने यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर निशान लगा लेना है। और लेंथ में इस तरह के हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। मैंने जिस बच्ची का बनाना है उसका माथा जो है 10 इंच था, तो मैंने 5 इंच पे इसका निशान लगाया है। माथे से एक कान से दूसरे कान तक 10 इंच बन रहा था, तो इस तरह से 5 इंच पे मार्क करने हैं और इस तरह से इसको गोल शेप दे देनी है। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या बनाना, ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए है। पहले आप बच्चे के सर की पेपरमाइश कर लें जिस बच्चे की आपने बनानी है, तो उसके बाद आप यहाँ से इसको गोल शेप दे लें। इसके बाद हमें यहाँ से तकरीबन 1/2 इंच पर निशान लगाना है और तिरछी इस तरह से हमने लाइन ड्रा कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है, तो पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अगर आप चाहें तो आप इसको कोई और शेप भी दे सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उसको राउंड शेप भी हल्के से दे सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको शेप दी है। यहाँ से साइडों से इसको थोड़ा नीट करेंगे और उसके बाद ये जो मार्क है इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर से कटिंग आपने नहीं करनी है, बस नीचे से तकरीबन 1/2 इंच कटिंग करनी है। और अब ये जो अखबार हमने कटिंग की है इसको हमने डबल फोल्ड करके इसके दरमियान में हमने लगा दी है स्क्वायर टेप। आप कोई भी हार्ड पेपर ले सकते हैं। अगर आपको मुश्किल पेशारी हो तो हमने इसका हाफ करना है, तो हाफ इसका आ रहा है 7 इंच पे, तो 7 इंच का 3.5 आएगा। तो आपने कोई भी एक अखबार का पेज ले लेना है या किसी भी एक्स्ट्रा जो भी कागज़ आपके पास हो, कोई पेपर हो, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, कर लेना है। और उसके बाद हम यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे ताकि इसकी राउंड शेप में फिर जब खुले तो फिर वो 7 इंच पे आ जाएगा। जिस तरह हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं उस तरह से हम सेम बस ये कॉर्नर पे 3.5 इंच का निशान रखेंगे और इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से ये सारे निशान पहले लगा लेने हैं और उसके बाद निशानों को आपस में मिला देना है। हमने क्या बता, आपको सही क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये इतना मुश्किल मेथड नहीं है कि बहुत कोई बंदे को ऐसा अलजेब्रा का सवाल नहीं है कि समझ नहीं आई। बहुत आसान है, बस 3.5 इंच एडजस्ट करके हमने मार्क की है। और उसके बाद मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी शेप जो है वो सही है कि नहीं, तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके देख सकते हैं कि दोनों निशान आपके जो है बराबर आ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद आपने यहाँ से कटिंग कर देनी है। इस तरह से कटिंग कर देंगे इसके ऊपर से और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल राउंड शेप में आ गई है। और दरमियान में मज़ीद अगर आप चाहें तो नाप भी कर सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया नहीं। इसी के साइज़ का बकरम काट लिया है और जो दूसरी पट्टी थी सर वाली उसको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसको भी मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है, राउंड वाली को भी। इसको अब यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से नीचे वाली साइड से आपने सिलाई शुरू करनी है और बिल्कुल बकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। ये साइड वाइड सिलाई अगर आप ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, मैंने पहले इसको वैसे ही पक्का कर लिया है। इस तरह से बिल्कुल बकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। व्यूवर्स, ये बहुत ही खूबसूरत कैप बनने जा रही है, तुर्किश स्टाइल कैप, और बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को पहने बहुत ही प्यारी लगती है। आप ज़रूर अपने बच्चों की इसको बना के दीजिएगा। कोई भी ड्रेस अगर आप बच्चों को लेके आते हैं या खुद बनाते हैं तो उसके साथ ये कैप ज़रूर बनाइएगा, बहुत प्यारी लगती है। कम से कम एक बार तो ज़रूर बनाइएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि बच्चों को पहनने कितनी प्यारी लगती है।
तो इसको हमने इसके बाद सीधा कर लिया है और मैंने इसके साथ ये रेसिपी अटैच करनी है। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपके साथ बहुत ही आसान वीडियोस लेकर आते हैं। तो ये मैंने हाफ के बाद ये 10 इंच पे मार्क कर लिया है। हाफ का जो है वो 5 एक साइड की तरफ है, 5 दूसरी तरफ। तो इस तरह से हम इस कपड़े को उसके साथ स्टिच कर देंगे। ये हमने अटैच कर दिया है और अब दूसरी पट्टी हमने तैयार की, वो हमने इसके साथ इस तरह से अटैच करनी है। यूँ हम रखेंगे इस तरह से। पहले दरमियान में आप देख लीजिएगा कि ये मिड आगे आएगा और ये जो जोड़ वाला साइड ये पीछे, और यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा आपने छोड़ना है तकरीबन 1/2 इंच, जहाँ से फिर हम सिलाई लगाएंगे और बाकी फिर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैंने लगा ली है और इस तरह से आपने फिर पहले इसको स्टिच करना है और उसके बाद ये वाली साइड स्टिच करनी है। ये देखिए कैप हमारी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये कैप भी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर बनाएंगे। अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बच्चियों को पहनी बहुत ही भली लगती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।